हेलो फ्रेंड्स, बरनाला फूड में आपका स्वागत है। आज हमने छोलुए की सब्जी, आलू छोलुए की सब्जी, ग्रीन चने जिसे कहते हैं, वो सर्दी में ही आते हैं, उसकी सब्जी आपके साथ शेयर की है। बहुत ही टेस्टी बनी है, ज़रूर ही जिस तरह से हमने बनाई है उसी तरह से बनाकर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आलू और ग्रीन चने की सब्जी बनाने के लिए हमने टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ हमने ले लिया है, और जो ग्रीन चने हैं, छोलू है, जो बिल्कुल निकाल कर साफ कर धो लिया है। अब हम प्याज कट करेंगे। मोटा मोटा ही इसे कट करेंगे। लहसुन भी हमने कट कर ली है। दो हरी मिर्च ले ली है, वो भी मोटी मोटी काट लेंगे। और थोड़ा पानी डालकर इसको बॉईल करेंगे। सभी चीज़ों को पानी गर्म होने रख दिया है। इन सब चीज़ों को हम बॉईल कर लेंगे। जब तक के पानी आधा ना हो जाए तब तक इसे बॉईल करेंगे, और थोड़ा इसमें नमक डाल देंगे। नमक से जो टमाटर प्याज है जल्दी बन जाता है। इसको हम उबलने देंगे। और थोड़ी हमने सोयाबीन की बड़ी भी उबाल ली है। सॉरी, हमने आलू नहीं डाले, सोयाबीन की बड़ी डाली है चने में, मैं भूल गई थी पहले। और जो हमने बॉईल किया है इसको ठंडा करके मिक्सी में डाल देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, ठंडा करके इसे ब्लाइंड करेंगे। और जो सोयाबीन की बड़ी थी उसको हमने उबाल के बिल्कुल पानी उसका ड्रेन करके हाथ से मुट्ठी से निचोड़ लिया है, और अब इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे जो सोयाबीन की बड़ी है। सोयाबीन की बड़ी है जो बहुत हेल्दी होती है। अब हम तड़का बनाएंगे। थोड़ा हम इसमें जीरा डाल के और एक लाल मिर्च, एक तेज पत्ता नहीं डाला हमने। जो हमने ग्राइंड किया था मसाला, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन का, वो भी इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। वैसे तो ये मसाला है जो पका हुआ है हमारा, काफ़ी देर उबाल लिया था। नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, थोड़ा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर मिलाएंगे और इसे मिक्स करके इसमें डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी हमने इसमें मेथी है जो क्रश करके डाल दी है, सुखा कर रखी है हमने। और इसमें डालेंगे हमने जो चने निकाल कर रखे हैं, ग्रीन छोलुआ बोलते हैं इसे, सर्दी में ही थोड़ी देर आता है जी। और इसमें जो फ्राई की थी सोयाबीन की बड़ी वो भी डाल देंगे, और इसको पानी डालकर पका लेंगे थोड़ी देर। पानी डाल दिया है, अब इसे ढककर पका लिया है हमने। देखिए कितना अच्छा कलर इसका उभर कर आया है। थोड़ी देर और इसे पका लेंगे। थोड़ी देर और पका लिया है हमने।
छोलगा और सोयाबीन की बढ़िया की सब्जी है, जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनी है। थोड़ा हमने कट करके धनिया डाल दिया है और हमने इस राइस के साथ इसे सर्व किया है। आप फुलके के साथ भी इसे खा सकते हैं। राइस के साथ बहुत ही टेस्टी बना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।